हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2019 ओपन मेरिट पेपर शेयर किया जाएगा आपके साथ। 2019 के इस पेपर का पार्ट वन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2019 पेपर का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। यहां पर नोट कर लें कि इस पेपर में 2019 के ओपन मेरिट और 2019 के सर्विस कोटा पेपर में मैथमेटिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, इसलिए इन वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेंसिल अपने पास रखें ताकि हर क्वेश्चन की साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट वन में मौजूद हैं। सीआरटी इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ मॉनिटर। सीआरटी एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो के मॉनिटर में इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर मॉनिटर में। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है। इस ट्यूब को पहली बार जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने 1897 में ऐजाद किया। उस साइंसदान जिसने सीआरटी को ऐजाद किया उसका नाम फर्डिनेंड ब्रॉन था। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द वाइफ्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गेन द टाइटल ऑफ उम्मुल मसाकीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी को उम्मुल मसाकीन, गरीबों की मां का लकब दिया गया? ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक करेक्टर का जो है ज्यादा से ज्यादा साइज, मैक्सिमम साइज 1638 पॉइंट्स होता है। कम से कम साइज करेक्टर का 1 पॉइंट होगा और ज्यादा से ज्यादा 1638, या इसको इस तरह कह ले के कम अज कम फॉन्ट साइज 8 होगा और ज्यादा से ज्यादा 72। वीवर्स, ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, इसलिए इन दोनों मिकदारों को, दोनों अमाउंट्स को याद रखिएगा। अगर आपसे 1638 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए पॉइंट्स के हिसाब से, तो आपने 1638 को टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में 8 या 72 का ऑप्शन दिया जाए तो आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है 6.334 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 4, 6.334 जरब 10 की ताकत 4। शॉर्ट डिटेल में इसका सोल्यूशन दिया गया है, इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस अमाउंट को सॉल्व करना है। यहां पे जहां पे इशारिया है, पॉइंट है, इसके नीचे हम एक लगाएंगे और बाकी जितनी जितने डिजिट्स हैं उतने सिफर लगा देंगे। ये हमने 3 जीरो लगा दिए, ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद 10 रेज पावर 4, 10 की ताकत 4। 10 की ताकत 4 का मतलब है कि 10 4 बार है। इस अमाउंट को ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 6334। 6334 इस तरह आएगा कि ये तीन सिफर जो हैं, इस तीन सिफर से कट जाएंगे, बाकी 10 रह जाएगा। 10 को हम 6334 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6340 इसका आंसर आएगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ इन वीडियोस में शेयर किए जाएंगे
2019 के पेपर्स में, सर्विस कोटा और ओपन मेरिट में, इन तमाम क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पेपर में किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो इसे आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। इन तीनों ऑप्शंस में प्रेजेंटेशन व्यू जो है ये पावर पॉइंट व्यू नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ये एक एक्सरसाइज है जिसे ट्रंक लिफ्ट कहा जाता है। इसमें अपने वजन को अगली साइड से उठाया जाता है, अपने फेस वाली साइड से। आपके सामने स्क्रीन में तीन फोटोग्राफ्स दी गई हैं। ये एक्सरसाइज है जिसे ट्रंक लिफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जिसमें डेटा को कॉलम्स और रोज में अरेंज किया जाए, उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसे आम इस्तेमाल में हम एमएस एक्सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा को कॉलम और रोज में अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। एमएस एक्सेल में जिस जगह पे इस डेटे को मैनेज किया जाता है, उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अ पेशेंट रिक्वायर्स अ 30% डिक्रीज इन द डोजेज ऑफ हिज मेडिकेशन। हिज करंट डोजेज इज 340 mg। व्हाट विल हिज डोजेज बी आफ्टर द डिक्रीज। एक पेशेंट है जिसकी मेडिसिन की डोज 340 mg है। इसमें कहा गया कि इस 340 mg में से 30% कम करें। कम करने के बाद हमारे पास एक्चुअल डोज क्या होगी? सिंपल है, सबसे पहले करंट डोज हमारे पास 340 है, और 340 में से 340 का 30% हमने माइनस करना है। 340 का 30% हम निकालेंगे, इसका फार्मूला है, सारा क्वेश्चन इसी फार्मूले पे डिपेंड करता है, इसे नोट कर लें। टोटल डोज मल्टीप्लाई बाय डिक्रीज परसेंटेज। 340 हमारे पास टोटल डोज है, इसे 30% से जरब देंगे। 340 जरब 30/100। 30/100 हमने इसलिए किया क्योंकि ये परसेंटेज है, हमने इसकी एक्यूरेट अमाउंट निकालनी है। 30/100 कर देंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो 102 mg आएगा। 102 mg हमने 340 mg में से माइनस करनी है। माइनस करने के बाद 238 mg हमारे पास एक्यूरेट जवाब आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 238। क्वेश्चन नंबर 34, सॉल्व। एक इक्वेशन दी गई है, सिंपल, 7500 + 1250 / 50। इसे आपने इंतहा सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में इसका सोल्यूशन दिया गया है, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजेज आर GUI एनवायरमेंट। GUI स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में GUI एक फंक्शन है। GUI स्टैंड फॉर जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अक्सर औकात आपने देखा होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को इस्तेमाल करते हैं, आप स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कर लेते हैं, कलर्स चेंज कर लेते हैं। ये तमाम फंक्शंस जो है ये GUI जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू। अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू 3, इतना ही सिंपल है, एक्स क्यूब लिखें, 3 का क्यूब ले लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 37, लुकीमिया इज अ डिजीज ऑफ द ब्लड। लुकीमिया ये एक खून की बीमारी है जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। लुकीमिया ब्लड कैंसर का नाम है। यह बीमारी उस वक्त लाहक होती है जब इंसान के जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद खुलियों की
मकदार काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस वक्त इंसानी जिस्म में सफेद खुलियों व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाएगी काफी ज्यादा, तो ये ब्लड कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लें कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारी कुव्वते मुदाफत को बढ़ाते हैं, ये इंसानी जिस्म को तवानाई ताकत मुहैया करते हैं ताकि बीमारियों के खिलाफ लड़ा जा सके। लेकिन अगर इनकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे और ये ब्लड कैंसर की बीमारी लाहक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, द रेशो 35:84 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज 35:84 की जो सादा तरीन शक्ल है वो 7:12 है। किस तरह? हमने कोई भी एक डिजिट तलाश करना है जो इन दोनों अमाउंट्स पे, दोनों डिजिट्स पे, दोनों मिकदारों पे पूरा पूरा तकसीम होता हो। यहां पे 7 ऐसा डिजिट है जो दोनों मिकदारों पे पूरा पूरा तकसीम होता है, डिवाइड होता है। 7 5s are 35, 7 12s are 84। इसलिए इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 7:12 है, क्योंकि इसके बाद ये रेशो मजीद डिवाइड मजीद तकसीम नहीं हो रही। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये आंसर इसका जो है 7:12 है और यहां पे 5 मेंशन हो गया, ये मिस्टेक है, इसको 7 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड यूज, किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए या उसे क्लिप बोर्ड में सेव करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन की यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड पे F12 के बाद मौजूद है प्रिंट स्क्रीन, इसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी मेन स्क्रीन की, आपके डेस्कटॉप की एक जिसे स्क्रीनशॉट कह लें, सेव हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ जनरेशन में इस तरह है कि आप आल्ट को प्रेस करके फिर आप स्क्रीन प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट आएगा। कुछ कंप्यूटर्स में फंक्शन की के साथ है, फंक्शनल की को आप प्रेस करके साथ ही प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन कॉपी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। मोडेम ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइंस के जरिए ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। शुरू शुरू में ये एक चिप होती थी जो हम कंप्यूटर में लगा देते थे, लेकिन अब मॉडर्न शेप इसने इख्तियार कर लिया, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी इसकी शेप मौजूद है। मुख्तलिफ पेपर्स में 2-3 चीजें पूछी गई। एक तो ऐसी डिवाइस का पूछा गया है जो डिजिटल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, वो मोडेम है। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ पेपर्स में मोडेम की टाइप्स पूछी गई हैं। मोडेम की 3 टाइप्स हैं, डायलअप, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, और तीसरे नंबर पे है केबल मोडेम। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में DSL स्टैंड फॉर पूछा गया है। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, इन्हें याद रखिएगा अगर फ्यूचर में किसी पेपर में पूछा जाए तो आपको ये पता हो। क्वेश्चन नंबर 41, सिनोनिम ऑफ एंग्विश। एंग्विश का मतलब है घबराना, परेशान होना। एंगोनी का मतलब है अजियत। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन MS एक्सेल वी कैन नॉट एडिट दी कॉन्टेंट्स ऑफ अ सेल बाय। MS एक्सेल में काम करते हुए हम किसी भी सेल को एडिट नहीं कर सकते, उसमें नहीं लिख सकते आल्ट की प्रेस करके। इसे मैं सिंपल आपको समझाता हूं। आप कंप्यूटर में MS एक्सेल के प्रोग्राम को खोलें, खोलने के बाद आप किसी सेल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप आल्ट का बटन प्रेस कर दें। आल्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप कुछ भी लिखेंगे नहीं लिखा जाएगा, आपको आल्ट का बटन छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप आल्ट का बटन प्रेस करना छोड़ देंगे, लिखेंगे तो सेल में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज टेराबाइट। टेराबाइट इज अ रफली अ ट्रिलियन बाइट्स।
व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में बेसिक मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर पूछे गए हैं। कंप्यूटर के जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज हैं। मिसाल के तौर पे देख लें कि एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, 1024 बाइट्स 1 KB के बराबर है, 1024 KB 1 MB के बराबर है, 1024 MB 1 GB के बराबर है। ये तमाम मकदारें आप याद रखिएगा, क्योंकि 2020 में जो पेपर हो रहे हैं इनमें से 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आपको तमाम क्वेश्चंस तमाम वीडियोस में बताता जाऊंगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें आप तैयार रखिएगा, तैयार जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर आए तो आपको कम से कम वो क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो आपने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया इन द फाइनल ऑफ द 2016 एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, वेयर वॉज द फाइनल मैच प्लेड। 2016 में एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, जिसमें पाकिस्तान हार गया था, इंडिया जीत गया था। ये मैच मलेशिया के शहर क्वांटन में खेला गया था। ये जो 2016 में एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेली गई थी मलेशिया में, इसमें इंडिया की टीम ने 3 गोल किए थे और पाकिस्तान की टीम ने 2 गोल किए थे। ये मैच इंडिया की टीम जीती थी। क्वेश्चन नंबर 45, सॉल्व दी स्क्वेयर रूट। एक स्क्वेयर रूट को आपने सॉल्व करना है 1.44। स्क्वेयर रूट को जब भी आपने खत्म करना है तो स्क्वेयर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, 1/2। 1.44 की पावर 1/2 आप लिख दें, या आप 1.44 अंडर रूट लिख दें, ये एक ही बात है। आपने 1.44 1/2 ज़रब 2 आपने इसका स्क्वेयर रूट लेना है, इसको खत्म करना है, इसका आंसर आएगा 1.2। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर की इजाजत नहीं है, आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ये पेपर में आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू की। ये मूवमेंट सिविल नाफरमानी की तहरीक महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की। क्वेश्चन नंबर 47, 15 मैन वर हायर टू प्लफ अ पीस ऑफ लैंड इन 10 डेज। जमीन के टुकड़े में हल चलाने के लिए 15 लोग हायर किए गए और उन लोगों ने यह काम 15 लोगों ने 10 दिन में किया। कितने मजीद लोग हायर किए जाए तो ये काम वो 3 दिन में करेंगे, मजीद 50 लोग हायर करना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीवेशन है। व्यूअर्स, यहां पे मैं आपके साथ 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। नंबर 1, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा गया है कि कंप्यूटर मेमोरीज कितने टाइप्स की हैं। कंप्यूटर की मेमोरीज 2 टाइप्स की हैं, 2 किस्म की हैं, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल मेमोरी। इसके बाद बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि रैम वोल्टाइल मेमोरी है या नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। रैम वोल्टाइल मेमोरी है, जबकि रोम नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। वोल्टाइल मेमोरी और नॉन वोल्टाइल मेमोरी में जो फर्क है वो आपको बताता चलूं। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है, जो काम आप कर रहे थे वो आपने सेव नहीं किया, वो सेव नहीं होगा, वो जाया हो जाएगा, ये वोल्टाइल मेमोरी कहलाएगी। और नॉन वोल्टाइल मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें आपका डाटा जाया नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आपके सामने जो स्क्रीन आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता है,
वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या रोम की मिसाल है। इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा क्योंकि पास्ट पेपर्स में ये तमाम बातें बार बार पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो तरीकाकार है ये टीचर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 50, अस्टोला आइसलैंड इज इन। अस्टोला आइसलैंड पाकिस्तान में वाकया है। अस्टोला आइसलैंड को आइसलैंड ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। अस्टोला आइसलैंड, अस्टोला जजीरा, ये पाकिस्तान का एक गैर आबाद जजीरा है। ये पाकिस्तान में बहीरा अरब में वाकया है। पाकिस्तान के करीब बहीरा अरब है जहां पे ये जजीरा मौजूद है, जिसे अस्टोला आइसलैंड या आइसलैंड ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2019 ओपन मेरिट पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।